आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर वन डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। नमस्कार, उत्तराखंड खबर में आप सभी का स्वागत है। बिल्डिंग ड्रीम फाउंडेशन लगातार 5 साल से देहरादून व अन्य शहरों में जोरदार काम कर रही है, लगातार प्रशंसा का पात्र बनी हुई है। पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तराखंड में बहुत ही प्रशंसनीय काम कर चुकी है। जरूरतमंद बच्चों के लिए फ्री शिक्षा नवादा स्कूल खोला है। बिल्डिंग ड्रीम फाउंडेशन के सदस्य दिन रात समाज की सेवा में लगे हैं। बिल्डिंग ड्रीम फाउंडेशन के सदस्य शशि जदली, रंजीत बार, हिमांशु पाठक, जूही पांडे, डॉक्टर सुरभि जायसवाल, आकांशु भवानी, शंकर कविराज, वंदना अग्रवाल आदि सभी लोगों ने दिन रात एक होकर काम किया है। वहीं फाउंडेशन की कार्यकर्ता शशि जदली ने बताया कि हमारा फाउंडेशन पिछले एक वर्ष से, जब से कोरोना संक्रमण का संकट हुआ है, तब से लगातार जरूरतमंदों को भोजन एवं कच्चा राशन वितरित कर रहे हैं। मेरा नाम शशि जदली है, मैं बिल्डिंग ड्रीम फाउंडेशन में काम करती हूँ। और ये हमारी बिल्डिंग ड्रीम फाउंडेशन जो है पिछले कोरोना काल से काम पे लगी हुई है। हम वैसे 4 साल से कंटिन्यू काम करते हैं, कभी स्लम बस्ती पे, बच्चों पे या कई चीज़ों पे काम करते हैं, लेकिन प्रेजेंट पोजीशन में जो हमारा काम चल रहा है, ये हमारा काम क्या कहते हैं कि जो लोग क्वारंटीन है, बाहर आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, तो उनको हम खाना बना के दाल चावल सब्जी प्रॉपर पैकेट में, दाल चावल सब्जी रोटी अचार सलाद उनके घरों में पहुंचा रहे हैं। जो लोग जैसे होटल में खाते थे और ये क्या कहते हैं पीजी वगैरह में खाते थे, उनके खाने की तंगी हो रही है, तो उनको सुभारती हॉस्पिटल, कई हॉस्पिटलों में भी हम खाना पहुंचा रहे हैं। जैसे हमें फोन आता है उसके हिसाब से हम खाना पहुंचाते हैं। और सूखा राशन जो झुकी मतलब जो दिहाड़ी मजदूरी छूट गई है उनको हम सूखा राशन, राशन में हम दाल चावल आटा तेल नमक मिर्च मसाले की जरूरत पड़े तो, अगर कोई किसी की मदद करना भी चाह रहा है और वो मदद नहीं कर पा रहा, नहीं पहुंचा रहा है, तो वो भी हमारे संपर्क नंबर से फ़ोन करे। जैसे हमारा नंबर है 6399463996 और दूसरा नंबर है 6399463997, तीसरा नंबर है 6399463998। इन नंबरों पे सहायता मांग भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। ड्रीम्स फाउंडेशन, और ये 2016 से हम लोग काम कर रहे हैं और हमारे पास 40 की टीम है। और बेसिकली हमारे एनजीओ का मकसद है कि हम एजुकेशन पे काम करते हैं, एम्पावरमेंट पे और एनवायरनमेंट पे। तो जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो हमारे पास वो बच्चे पढ़ने आते हैं जो कभी स्कूल नहीं गए, या फिर माइग्रेंट लेबर्स जो होते हैं उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं क्योंकि हर 6 महीने में इधर उधर जाना रहता है, तो उन बच्चों को यहाँ पर लेके आया जाता है, वो पढ़ते हैं, खाते पीते हैं और फिर यहाँ से शाम को घर लौट जाते हैं। तो हमारा बेसिकली मकसद यही है कि जितने भी बच्चे हैं 4 से 16 साल तक के, उनकी बेसिक एजुकेशन वो कंप्लीट कर सके, भले ही वो 12th ना भी पास करें, लेकिन उतनी इतना आ जाए कि वो एक फॉर्म भरना सीख सकें, थोड़ा बहुत कंप्यूटर चलाना जान सकें, तो ये सब चीज़ें हम सिखाई जाते हैं। इसके साथ साथ हमारा एक कैंपेन चलता है ज़ीरो फूड वेस्टेज, और जिसके लिए गाड़ी भी है। हम पूरे देहरादून शहर में कहीं भी खाने को बर्बादी से रोकने के लिए, वहाँ पर जहाँ पर भी शादी पार्टी होटल हॉस्टल में खाना बच जाता है उसको हम उठाते हैं और देहरादून के 21 बस्तियों में बांटने का काम करते हैं। आजकल ये कोरोना जब से फैला है तब से मिडिल क्लास की भी हालत थोड़ी ख़राब हो गई है, क्योंकि काम बंद होने के कारण, लॉकडाउन बढ़ने के कारण उनको काम नहीं मिल पा रहा है, जितनी सेविंग्स थी वो सब ख़त्म होती जा रही है। और दूसरी बात, मिडिल क्लास फैमिली जो होती है वो बहुत कतराती है दूसरे से हेल्प मांगने में, लेकिन हम सबको यही बताते हैं कि अगर आप तभी हमें फ़ोन करेंगे जब आपको ज़रूरत है, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। तो हम किसी का चेहरा नहीं दिखाते, किसी का नाम नहीं लेते, जिसको भी ज़रूरत होती है वो हमें फ़ोन कर देते हैं, हम उनके घर के बाहर रख कर और आ जाते हैं, चाहे वो कहीं पर भी। सर, जब से 2020 से जब से कोरोना काल है तब से हमारी टीम काम कर रही है, बट इस साल हमने तो पिछले साल जैसा आपके जान रहे थे टीम हमारा राशन बांट रही थी, बट इस साल राशन बांटने से पहले ज़्यादातर देहरादून में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी थी, लोग जो घरों में क्वारंटीन थे उनके फैमिली में, यहाँ देहरादून में बहुत ऐसी फैमिली है जहाँ पर ओल्ड एज पीपल रहते हैं तो उनके बच्चे बाहर रहते हैं, तो उनको खाना पहुँचाना,
चाहे सुभारती हॉस्पिटल में जितने अटेंडर्स हैं उनको खाना पहुंचाना, जितनी भी फैमिली के फोन है, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए था, चाहे उनको खाना चाहिए था, चाहे उनको सूखा राशन चाहिए था, हमारी टीम पहुंचाई। अब तक नियरली जो भी पीछे की बस्तियां हैं, जो भाऊवाला से लेके एक सेलाकुई के पास शेरपुर गाँव है, भीड़पुर गाँव है, जहाँ भी जरूरत होती है लोग हमारे पास फोन कर। उत्तराखंड खबर के लिए कैमरामैन प्रदीप भंडारी के साथ किशोर रावत की रिपोर्ट।